आना सागर टिकट के लिए 2500 टिकट। हेलो दोस्तों, हम मौजूद हैं अभी अजमेर शरीफ में और आज हम जाएंगे आना सागर झील के पास। अभी जो हम खड़े हैं यहाँ पर, ये जगह इसको बोलते हैं दिल्ली गेट, और यहाँ से ये सीधा रास्ता जो जा रहा है वो आना सागर झील के पास जा रहा है। जितने भी लोग हैं सब पैदल जा रहे हैं, और दिवाली का टाइम है ये। दिवाली के टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर, कुछ लोग सवारी से भी जाते हैं और कुछ लोग पैदल जाना पसंद करते हैं। दिवाली पर यहाँ पर बहुत भीड़ होती है जैसे कि आप देख सकते हो। ये रही आना सागर झील। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं यहाँ से। आप लोग सामने देख रहे हैं ये आना सागर झील का नज़ारा। वीडियो को लास्ट तक देखना, बने रहना वीडियो के साथ, वीडियो बहुत अच्छी है। आना सागर टिकट के लिए 2500 टिकट। और आप देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा भीड़ है दिवाली के टाइम पे। अगर उर्स होता है तो उस पे इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है। 2500 का टिकट होता है एंट्री का, देख सकते हो आप। और फाइनली आधे घंटे लगने के बाद हमें भी टिकट मिल जाता है और हम भी आना सागर के अंदर चले जाते घूमने के लिए। ये व्यू देखिए आना सागर झील का। दिवाली की वजह से लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमने के लिए आए। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये आना सागर का अंदर से व्यू है, इसको बोलते हैं दौलत बाग। ये जहांगीर ने बनवाया था और ये बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा आना सागर है और कैसे ये कांसे में समा गया था। आज मैं आपको बताऊंगा इसकी पूरी हकीकत। आना सागर झील ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से 1000 से 800 मीटर की दूरी पर है। एक बुज़ुर्ग जब वुज़ू के लिए पानी लेने के लिए आए थे तो यहाँ पर एक बादशाह की हुकूमत चलती थी। उस बादशाह ने यहाँ पर पैरा लगा रखा था और उन बुज़ुर्ग को पानी लेने से मना कर दिया था। फिर वो बुज़ुर्ग ख्वाजा साहब की बारगाह में जाता है और सारा वाकया बताता है। फिर ख्वाजा साहब उस बुज़ुर्ग को एक कटोरा देते हैं और बोलते हैं आना सागर के पास जाओ और उससे कहना कि तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। जैसा ही इतना कहना होता है उस सारे आना सागर का पानी उस कटोरे में समा जाता है। ये करामात आज भी जिंदा है। बहुत सारे लोग इसी की वजह से आना सागर पे आते हैं देखने के लिए। आज भी इसका जिक्र किताबों में मौजूद है। ये झूठ नहीं सच्ची करामात है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। सुबहान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज माशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैंने 2.5 दिन के झोपड़े का और तारागढ़ का ब्लॉग अपलोड कर दिया है, आप जाओ और उसको देखो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। थैंक यू सो मच।